वो तमाम चेहरे अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जिसको लेकर ये जो नया मंत्रिमंडल है वो आगे बढ़ेगा। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं उनको लेकर ये स्पेशल ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जो आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, जिसके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी रेल मंत्री के तौर पर, हमने देखा बालासोर में किस तरह का काम उनकी ओर से किया गया था। एस जयशंकर, विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी धाक जमाई है। गृहमंत्री अमित शाह, गांधीनगर से जीत कर आए हैं शानदार तरीके से। 2019 में पहला चुनाव लड़ा था, गृहमंत्री बने और फिर एक बार कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से लगातार जीत रहे हैं, फिर जीत कर अब उनको कौन सा क्या रक्षा मंत्रालय ही संभालेंगे या उसको बदलाव किया जाएगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। नितिन गडकरी ने रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, नागपुर से जीत कराए हैं। नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए थे एसटी पार्टी में। पीयूष गोयल, राज्यसभा की अब तक वो सांसद रहे हैं लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव मुंबई से लड़ा, शानदार तरीके से जीते और अब वो फिर से अहम जिम्मेदारी के लिए तैयार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार का चुनाव लड़े थे लेकिन कांग्रेस पार्टी में थे, वो हार गए थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद उनको राज्यसभा का टिकट दिया जाता है लेकिन इस बार जीत कर वो मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी एविएशन मिनिस्ट्री। फिलहाल उनके पास थे अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया, उनको फिर से कौन सी नई जिम्मेदारी दी जाती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मनसुख मांडविया गुजरात से आते हैं और यकीनन ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी मोदी 3.0 में। जी किशन रेड्डी तेलंगाना का बड़ा चेहरा है, सिकंदराबाद से जीते हैं। जी किशन रेड्डी का किस तरह से इस बार उनको जिम्मेदारी दी जाती है। जितेंद्र सिंह, आपको बताते चले कि जम्मू की तीनों सीटों को लेकर लगातार पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी खुद जितेंद्र सिंह के लिए भी, लेकिन वो जीते फिलहाल, अब उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। हरदीप पुरी बड़ा नाम है और यकीनन इस चेहरे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब कौन सी जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अर्जुन राम मेघवाल हो, राजस्थान से आप आते हैं राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर शोभा करंद लाजे, आपको बताते चले कि महिला चयनों को लेकर चूंकि स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं, अनुप्रिया पटेल देखिए मिर्जापुर से उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई लेकिन अनुप्रिया पटेल चूंकि सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल को जगह दी जा रही है। किरण रिजिजू, उनको जगह दी जा रही है उत्तर पूर्व में, जिस तरह का प्रदर्शन लगातार अच्छा करती हुई चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी। शांतनु ठाकुर, इनको लेकर बीजेपी आगे बढ़े और ये देखिए वो तमाम चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। जी किशन रेड्डी और ये साउथ के वो तमाम चेहरे हैं जब बैठक के लिए जा रहे थे उस समय के, ये चेहरे आपको दिखा रहे हैं मुस्कुराते हुए, कम से कम एक संतोष का भाव था। और ये तस्वीरें आप सामने आ गई है टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन सभी को संबोधित कर रहे थे, अगर ऑडियो है तो क्या हम सुना सकते हैं प्रधानमंत्री ने किस तरह से संबोधित किया है, लेकिन जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई है एक बार फिर से उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक में अपने तमाम इन सहयोगी दलों के नेताओं को, अपने मंत्रियों को संबोधित करते हुए ये कही है, 100 दिन एजेंडा की कार्ययोजना को जमीन पर उतारना है, पेंडिंग योजनाओं को जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्दी से जल्दी पूरा हो इसकी चिंता करें, 5 साल का रोड मैप भी तैयार है, आप जी जान से जुट जाएं। हमारी सरकार का लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना, जनता को एनडीए पर भरोसा है उसे और मजबूत करना, प्रधानमंत्री की ओर से यही तमाम बातें कही गई हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी जल्दी से आशुतोष जी एक आपकी टिप्पणी। देखिए आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी, और ये सहयोगी दलों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहां पर, अलग अलग वो चेहरे जो संतोष के भाव से बैठे हुए हैं कि भैया फोन आया, चाय पार्टी पर बुलाया गया। संतोष के भाव से तब तो प्रधानमंत्री जी सीधे एड्रेस कर रहे हैं तो कंफर्मेशन है कि चलिए अब तो आपका पत्ता कटने वाला है। लेकिन मेरी जो बुनियादी दिलचस्पी इस बात को लेकर यह है कि जो टॉप 4 भारतीय जनता पार्टी जो कैबिनेट होगी उसमें कोई बदलाव होने वाला या नहीं बदलाव होने, क्योंकि देश की बेसिकली जो टॉप 4 या टॉप 5 की कैबिनेट होती है वही दरअसल तय करती है कि जो सरकार होगी आने वाले 5 साल की उसका चरित्र क्या होगा, उसके काम करने का अंदाज क्या होगा, कि उसके शैली में कोई बदलाव आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर है। लेकिन अगर अगर निर्मला सीतारमण अगर बनी रहती है, अगर वो वित्त मंत्री या अगर अमित शाह बने रहते होम मिनिस्टर या रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह बने रहते। आपको रोकनी हूँ जरा, ये जो संभावित मंत्रिमंडल है जो आज शाम को शपथ लेने वाले हैं, जितिन प्रसाद आपको बताते चले पीलीभीत से जीत कर आए हैं, वरुण गांधी का टिकट काट कर उनको दिया गया था, बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जिस तरह से हमने देखा है वो स्टूडेंट के क्लास लेते हुए अक्सर हमने देखा है उनको, और उसी तरह यहां पर समझाते हुए क्योंकि अब नई जिम्मेदारियों के साथ अलग। शिवराज सिंह चौहान शानदार तरीके से विदिशा से जीत कर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, और ये कई पूर्व मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण जिन्होंने राज्यसभा से जो सांसद हैं लोकसभा
लोकसभा का चुनाव लड़ने से उनकी ओर से इनकार कर दिया गया था। वित्त मंत्री उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान कमाल का प्रदर्शन इस बार, बीजू जनता दल को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में किया है 21 में से 20 सीटें उसने जीत ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान को क्या जिम्मेदारी दी जाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जो गुजरात के चेहरे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और यकीनन जयंत चौधरी को लेकर जब उनको सामने की कतार में जगह नहीं मिली थी उनकी कुर्सी को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए थे। दो सांसद वो जीत कर आए हैं पंजाब से। नवनीत बिट्टू आपको दिखाई दे रहे हैं, कई महिला चेहरा भी आपको दिखाई दे रही है, हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं उसके बावजूद यहां पर उनको बुलाया गया है, क्योंकि पंजाब जिसको लेकर नए सिरे से बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है और उस राज्य का प्रतिनिधित्व देना चाहती है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, ये तस्वीरें संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की जो पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है, एचडी कुमारस्वामी की भी तस्वीरें, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी, यही वो संभावित चेहरे हैं जो अब नए आत्मविश्वास के साथ नई सरकार में शाम को शपथ लेते हुए दिखाई देंगे? हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये वही चेहरे हैं जो शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी शपथ लेंगे तो वो चेहरे भी साथ में शपथ लेंगे। भूपेंद्र यादव भी इस चेहरे के तौर पर जो है दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र यादव भी इस मीटिंग में है, एस जयशंकर हैं, कुमारस्वामी हैं, चिराग पासवान हैं, एसपी सिंह बघेल हैं, जुएल ओराव पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे 2014 से 19 तक, एक बार फिर से उनको जगह दी गई है। उड़ीसा के बड़े चेहरे हैं, ट्राइबल फेस है पार्टी के, 2014 से लेकर 19 तक जो है वो केंद्र में मंत्री रहे हैं ट्राइबल अफेयर्स के और उनको जगह दी गई है, तो उड़ीसा का रिप्रेजेंटेशन भी है। एसपी सिंह बघेल आगरा से आते हैं, उनको जगह दी गई है। अन्नपूर्णा देवी, जितिन प्रसाद, हरदीप सिंह पुरी, एसडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको एक बार फिर कैबिनेट में जगह दी गई है। तो चित्रा, ये माना जा सकता है कि कैबिनेट का जो स्वरूप है वो सबके सामने आ चुका है। बिल्कुल।